सच्चाई से झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता, असली चेहरे को छिपाने से नकाब चेहरा नहीं बन जाता। पद्मा, क्या हुआ उर्वशी को? कुछ नहीं, बुखार है बोली। हाँ। कमजोरी जैसा भी है बाबा। हाँ। ताई ने आज भी चाय नाश्ता नहीं किया। कोई का, तू दोपहर छुट्टी के डॉक्टर के पास लेके जा, ठीक है? ठीक है, आधे दिन का पैसा लेके चली जाती हूँ। आज फिर खेत पे नहीं आई तू? मेरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, कल आएगी? मायत नहीं, कैसे भी करके कल मिलना तुझसे। आएगी ना? बोला ना, मायत नहीं। पद्मा, ठीक है, पूरे दिन की दिहाड़ी दे रहा हूँ पद्मा, और बाकी के जो पैसे हैं वो उर्वशी के इलाज के लिए हैं। धन्यवाद भाऊ। जा जा जा, जल्दी जा, कहीं दवाखाना बंद ना हो जाए। बुखार नहीं है, 3 दिन से ये खाना नहीं खा रही है। कागा उर्वशी, मात नहीं। जुलाब, पेट में कीड़े हो सकते हैं, ये एक गोली रात में खाने के बाद कल शाम तक ठीक लगेगा। माला बंदेर, उर्वशी बेटा, ये ना लोक रे, ये जा वाले। भाकरी भारी लगे तो खिचड़ी बनाई है तेरे लिए। आई, बिल्कुल मन नहीं है। अरे बेटा, लेकिन तेरे को गोली खानी है ना, खाना खाने के बाद। आजा। कुछ जाने का नहीं ना तुझे। तू गब बस बाबा, खा लूंगी थोड़ी देर में। या। ये। पद्मा, ये अपनी आकरोड़ी से अच्छा डॉक्टर वकोरली में है, वहां ले जाओ उर्वशी को। सब बता दे, कब से क्या क्या हो रहा है, उर्वशी की तबीयत का कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। उर्वशी करतला बोलव। उर्वशी करत, या तुम्ही बसा ताई, डॉक्टर अकेले में मिलेगी उर्वशी से। अहो माहिती नाही, वो डॉक्टर मानसी ने बोला है कि सिविल हॉस्पिटल में ना वो डॉक्टर नंदिता से मिलना है। का? माहित नाही, इसे अकेले में बात किया। नहीं, कोई नहीं, तू लेके जा उसको सिविल अस्पताल में, और फोन कर माला। हाँ हाँ, बेटा काय विचार लो, क्या पूछे डॉक्टर ने? आई, कितनी बार बोलू, बस तपास ल, अने काय नहीं। ब्लड और यूरिन रिपोर्ट्स करवाए? हाँ, उसकी रिपोर्ट्स मैंने उसके साथ भेज दी है।
और पेशेंट और उसकी आई को इन्फॉर्म किया है? नहीं, सिर्फ लड़की से बात की अकेले में। तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने, तुम्हारे साथ कभी किसी लड़के ने या किसी आदमी ने कुछ किया? घबरू ना कुछ, बोल। पेशेंट उर्वशी प्रेग्नेंट है, मैंने उसकी आई को कुछ नहीं बताया, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। बच्ची सिर्फ 15 साल की है, पुलिस केस बनता है। और जिस तरह से वो बात कर रही है उसे तो लगता है कि रेप केस है। ओके मानसी, अजिता उर्वशी को चेकअप के लिए लेकर जाओ। डॉक्टर, मेरे बेटे को हुआ क्या है? वो मानसी डॉक्टर ने भी कुछ बताया नहीं। मैं बताऊंगी। उर्वशी जा जा, सांगते जा। पद्मा, तुम्हारी बेटी उर्वशी पेट से है। यकीन करना मुश्किल है पर जो है सो है, और तुम्हें बहुत शांति से काम लेना होगा। जो कुछ भी करना है वो सब हम करेंगे, और पुलिस को भी बताना होगा। सिक्स वीक्स का फीटस है। कुछ बोली? रेप। ये 6 हफ्ते हो चुके हैं, इसीलिए उर्वशी को ये उल्टी और कमजोरी सब हो रही है। अब हम एक भी दिन इंतजार नहीं कर सकते। अपने पति से बात करो, तुरंत गर्भपात करना होगा। क्या बताऊं अपने पति को? किसने किया हमारी बच्ची के साथ ऐसा? उर्वशी ने नाम तो नहीं लिया पर ये जरूर कहा है कि बलात्कार हुआ है। पद्मा, मैं पुलिस में खबर कर रही हूँ। अरे रोना बंद कर और बोल कुछ। वो उर्वशी को पेट में दर्द हो रहा था ना? हाँ बोल। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि सांगना पेट से है। वो डॉक्टर कह रही है कि उर्वशी ने उनको बताया किसी ने जबरदस्ती की है। रना, तू काम खत्म करके घर जा। बाबा, मुझे आने में देर होगी। सेक्टर 1 मध्ये चेन स्नॅचिंग ची घटना घडली आहे। स्नॅचर लाल रंगाचा युनिकॉर्न बाईकवर आहे। बाइक चालव। मीनू, सिविल हॉस्पिटल से फोन आया था, किसी बच्ची पर रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट भी है। पात्रे, तुम मीनल के साथ हॉस्पिटल चले जाओ। सर। ए बेटा, कौन था वो? किसने किया बोल। बोलना बेटा, कब हुआ ये? बोल। सोरा मार इसे।
कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। मैं करूंगा इसे। छोड़ा, छोड़ा इला। किसकी गलती है सब? छोड़िए। मैं करूंगा इसे। छोड़िए। छोड़िए। मैं इसको मारना चाहती हूँ। इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती है सब। मैं करूंगा इसे। छोड़ो, मैं करूंगा इसे। ये बच्ची का बाबा सुहास करा तभी गांव से आया है, बच्ची पर अटैक करने वाला था। डॉक्टर, प्रेगनेंसी की जो टर्मिनेशन होती है उसका प्रोसीजर तो आप पूरा करेंगे, हमारे लिए रेपिस का नाम जानना बहुत जरूरी है। मैडम, बच्ची ने अपने आई को शायद सब बता दिया है। पेशेंट अभी बात करने की हालत में नहीं है, पर शायद इसने अपनी आई से कुछ कहा है। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तुमने उस पर हमला करने की कोशिश की? सच में नहीं मारता उसे, मैं गुस्से में था, मुझे मिलने दो मैडम। तुम्हारी बेटी उर्वशी के साथ जबरदस्ती हुई है, रेप हुआ उसका, और इस वक्त वो बहुत नाजुक हालत में है, तो इस समय उसे सबसे ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत है। अब मिल सकता हूँ मैडम, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी पत्नी भी साथ में है। सच में मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम जानना है जिसने ये किया। उस आदमी का नाम तुम्हें पता चले या नहीं, तुम करोगे कुछ नहीं, जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे, और अगर तुमने जरा से भी बेवकूफी की तो बहुत महंगी पड़ेगी। नहीं बड़ा, नहीं बड़ा, बाबा है इतना, बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। उर्वशी बोली, उसने पुलिस को बताया कि उसका गुनहगार कौन था, उसके मां बाप का आक्रोश आपे से बाहर होने को था। उर्वशी के रेपिस्ट को पकड़ने के साथ साथ एक बड़ी नाजुक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी सामने आने वाली थी, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। बेटा डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग है ना, अभी हिम्मत करो और नाम बता दो उसका। बंटी। बंटी, बंटी कौन बेटा? क्या ये तुम्हारे गांव आकुरवाड़ी से ही है? इसका पूरा नाम क्या है? बंटी कौन? बंटी शिंदे। क्या आप लोग जानते हो इस बंटी शिंदे को? नहीं। दुला महते का को? नहीं। साहब, एक दिन ना ये खेत पर नहीं आई थी, इसने कहा कि उस दिन वो घर आया था। बेटा ये कब हुआ था? थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। जी एक मिनट। अंदर क्यों आ गए? बहुत प्यास लगी थी ना इसीलिए। ठीक है, अब आप जाइए। छोड़ो मुझे, बचाओ। शोर मचा है ना तो जान से मार दूंगा। अगले दिन भी आया था, बार बार आने लगा, जान से मार दूंगा की धमकी भी दी,
बोला अगर किसी को भी बताएगी तो मैं सबको बता दूंगा। तेरा बाप मर गया था ना, एक बार बोल दे कि काटने डालता उसको, टुकड़े टुकड़े कर देता उसके। सुहास बोला था ना शांति बनाए रखो, हम लोग है ना यहाँ पर संभालने के लिए। बेटा ये बंटी शिंदे को तुम पहले से जानती हो? गांव में एक दो बार देखा था। आपने? साहब हमारा गांव है ना वो इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते, पर पता नहीं इसे हमें क्यों नहीं बताया। डॉक्टर साहब हम लोग केस दर्ज करके पेपर्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे। बरा हमें उर्वशी के लिए तुरंत काउंसलिंग अरेंज करनी होगी। प्रेगनेंसी को 6 हफ्ते हो चुके हैं, टर्मिनेशन के लिए अब हम ज्यादा नहीं रुक सकते। मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को भी लिख रही हूँ। ओके, अगर ये बंटी शिंदे इसी गांव का है तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये खबर सुनकर कहीं भाग भाग ना जाए। मुश्किल है सर, हॉस्पिटल में ये बात काफी कॉन्फिडेंशियल रही है। और सर माँ बाप तो बताने से रहे। उठा कर लेकर आओ इस बंटी शिंदे को। बंटी शिंदे, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है पर शक्ल याद नहीं आ रही है। आप एक काम करो ना, वो दुकानदार है ना दत्ताराम, उसको पूछिए। बंटी शिंदे मतलब विनोद शिंदे या नारायण शिंदे? हमें इस बंटी शिंदे का असली नाम नहीं मालूम। इस गांव में दो दो बंटी शिंदे हैं क्या? मेरे बचपन का दोस्त है विनोद शिंदे, उसको हम बचपन में बंटी बंटी बोल के पुकारते थे। और दूसरा कौन? दूसरा नारायण शिंदे, वो जो चंदनपुर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करता है। विनोद शिंदे कौन है? माजे मिस्टर, 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब से खाट पर ही पड़े हुए हैं। कैसा था साहब? विनोद तुझे लोग बंटी करके भी बुलाते हैं क्या? बचपन में बुलाते थे, अभी तो कोई नहीं बुलाता साहब, सब विनोद ही बुलाते हैं। आहो यहाँ दो पुलिस वाले आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नारायण शिंदे? हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हें लोग बंटी शिंदे के नाम से भी जानते हैं? ओ सर बचपन का नाम है मेरा। अभी के अभी वकोरली पुलिस थाने आ जा। कशल सर। तो आ तो जा, सब बताएंगे। सर मैं अब ड्यूटी पर हूँ, 4 बजे खत्म होगा। ठीक है 4 बजे आ जा, लेकिन भागने की कोशिश भी मत करना। मैं क्यों भागूंगा साहब, मैंने किया क्या है? साहब क्या हुआ कुछ बताइए ना, आप मेरे पति से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? आनंद हो सर, सब पता चल जाएगा। सरकार बंटी शिंदे मिल गया, लगता यही है वो जिसने कांड किया है। हम खुद अभी दो दो बंटी शिंदे से मिलकर आ रहे हैं। अभी तीसरा बंटी शिंदे कौन है? मैडम असली नाम सदाशिव शिंदे है, 26 साल का है, मैकेनिक है, 1 साल से अपनी अकुरवाड़ी में ही रह रहा है, लोग उसे बंटी करके पुकारते हैं। बंटी और सदाशिव शिंदे। हाँ साहब बोला, क्या गाड़ी वाड़ी सर्विसिंग करनी है? नहीं रे, तेरे पुर्जे डिले करने हैं। फॉर्म पर दस्तखत करके आप उर्वशी का गर्भपात करने की हमें मंजूरी देंगे, दोनों का साइन लगेगा। देखिए मामला वैसे ही बहुत नाजुक है, उर्वशी काफी छोटी है, हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही उर्वशी के लिए ठीक रहेगा। गर्भ 6 हफ्ते का हो चुका है। साहब मी उर्वशी करतला नाही ओळखत। आते ही विश्वामित्र वाली भूलने की एक्टिंग शुरू कर दी तूने। कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक जादू की छड़ी है,
ये तुझ पर घुमाऊंगा ना, सारी उर्वशी याद आ जाएगी तुझे। पास के गांव से भेड़िए की तरह यहाँ आता है और यहाँ की बच्चियों पर झपट्टा है। कहाँ से आई है? अंबर गांव। सब सिर्फ एक साल पहले मैं अंबर गांव से यहाँ अकुरवाड़े आया। क्यों, यहाँ ऐसा क्या है? बाप की दुकान पर नहीं बैठना था सब, उसकी किराना माल की दुकान है। मुझे मैकेनिक में इंटरेस्ट है, अच्छा करता हूँ ना काम साहब, और यहाँ पे हाईवे पास में काम की कमी नहीं होगी इसलिए यहाँ पे आया। लेकिन आई शप्पल किसी उर्वशी को नहीं जानता मैं सर। इतना संत आदमी हमारे कस्टडी में है, इसकी जम के खातिरदारी करना, फिर इसके बाप को भी बुला लेना अंबर गांव से, फिर देखते हैं संत बंटी महाराज उनके सामने क्या प्रवचन देते हैं। ओ साहिब मारो ना का। रेप? कौन सा रेप मैडम, किसका? उर्वशी करात 15 साल की है, आकुरवाड़ी की रहने वाली। उसे कहना है रेपिस्ट का नाम बंटी शिंदे है। ओ मैडम कायदरी का है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए एकदम साफ है, किसी भाई के साथ कभी कोई बदतमीजी की नहीं मैंने। और आप कह रही है, मैं खुद एक बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मैडम ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? एक बच्ची के साथ 2 महीने तक डरा धमका कर जबरदस्ती करते आए हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? 2 महीने? मैं सिर्फ 15 दिन पहले पुणे से लौटा हूँ, हेड ऑफिस में काम था। क्या काम था हेड ऑफिस में? मैं पहले पुणे में ही काम करता था, उसके बाद वाकुरली में मेरा ट्रांसफर हुआ। तो पहले के कुछ पेंडिंग फाइल्स थे वहां पर, रजिस्ट्रार साहब बोले कि वही पुणे में आकर क्लियर कर दो, सरकारी काम है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं 2 महीने पुणे में ही था, लोग बंटी कह के बुलाते हैं मुझे, बंटी नाम होने से आप तो। मेरा बेटा सदाशिव है अकड़ू, जिद्दी है, पर किसी भी हालत में ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। ये आपको किसी ज्योतिषी ने लिख के दिया या आपके बेटे ने आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैंने मेरी सारी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है, बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा सदाशिव ऐसी गंदी हरकत कर ही नहीं सकता। कौन ऐसी हरकत कर सकता है और कौन नहीं कर सकता ये हम भी नहीं बता सकते। इस वक्त आपका बेटा सदाशिव हमारा संदिग्ध है और हम लोग उससे सच निकलवा कर ही रहेंगे। मैम हम रूल बुक के परे पूरी सेंसिटिविटी के साथ सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने। लड़की सिर्फ 15 साल की है, गरीब ग्रामीण परिवार की है, उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई तो कई लेवल्स पर कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अनिता जी मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक सोशल वर्कर हैं, क्या अब मैं मेरा काम कैसे करूँ ये आप मुझे सिखाएंगे? लेकिन लड़की तो कल एडमिट हुई है ना, प्रोसीजर्स अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? पुलिस ने फीटस के टिश्यूज DNA टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व करने कहा है, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स से लेटर का इंतजार कर रहे हैं, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। हालात कितने गंभीर हैं और हो सकते हैं इसका मुझे अंदाजा है, पर ये क्रिमिनल केस है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व्ड है, आपको तो ये सब पता होना चाहिए ना? इस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता है कि सिस्टम के चक्कर में एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, बस। सुहास भाऊ पद्मा तक मेरी डॉक्टर से बात हुई है, अब सब सही होगा, वक्त पे होगा और बिना किसी रुकावट के। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, मैं और शिपा यहाँ सिर्फ आपकी मदद के लिए, और ये मदद कोई मेहरबानी नहीं, हक है आपका। अनिता ताई एक मिनट अकेले में बात हो सकती है? सर हेडक्वार्टर से SP सर का लेटर आया है DNA के लिए फीटस के टिश्यूज प्रिजर्व करने के लिए। गुड, अब उर्वशी को तीनों बंटी शिंदे के फोटोज दिखाते हैं, विनोद शिंदे, नारायण शिंदे और सदाशिव शिंदे। सर ये विनोद शिंदे पिछले 4 महीनों से अपने घर के बाहर नहीं गया, इसे हम रूल आउट कर सकते हैं। और सर ये नारायण शिंदे, इसके पुणे हेड ऑफिस में मैंने इंक्वायरी की, अभी 15 दिन पहले ही वो लौटा है, इसके पहले पुणे में वो 2 महीने पोस्टिंग पे था। उर्वशी की प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की है, लगभग 1.5 महीने पहले की बात, 2 महीने से कम। मतलब बचाइए सदाशिव शिंदे। उर्वशी को फोटो दिखा दे, देखते हैं क्या बोलती है वो। उर्वशी ये तुम्हारे गांव के 3 लोग हैं जिन्हें आसपास के लोग बंटी के नाम से जानते हैं,
इनके असली नाम है नारायण शिंदे, विनोद शिंदे और सदाशिव शिंदे। क्या गांव में और भी कोई बंटी है? बेटा घाबरू नकुस, बताओ वो बंटी कौन है जो तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारे साथ इतना गलत किया? सुहास और पद्मा, यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। सर मैं अनिता कामड़े, सोशल वर्कर हूँ और हमारा एनजीओ है। कल से मैं उर्वशी और उसके परिवार की मदद कर रही हूँ। बोला, दोन मिनट बाहर जाऊ शकतो, बात करनी है। काय चल रही था, वो क्या रहा है यहाँ? सर दरअसल उर्वशी के आई बाबा से एक गलती हुई है। जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे वो जानना है। एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन कल सुहास बाबू ने मुझे अकेले में बताया। अनिता दाई, एक मिनट अकेले में बात हो सकती है? अनिता दाई, मैं थोड़ा परेशानी में हूँ। साफ साफ बोलो, बात क्या है? उर्वशी ने जो नाम बोला था ना। हाँ। बंटी शिंदे को उसने ऐसे ही बोल दिया था। मतलब? मतलब मैंने उसे बोला था कि कोई नाम ले ले, तो उसने ये मनगढ़ंत नाम ले लिया। क्या कारण है उसके पास? सुहास को घसीट कर लेकर आओ यहाँ। सर आप नाराज मत होइए। नाराज? उसकी तो मैं खाल उधेड़ने वाला हूँ। उसकी वजह से गांव के तीन बंटी शिंदे को हमने उठाया है। एक जेल में रो रहा है, दूसरा रोज पुलिस स्टेशन की हाजिरी लगा रहा है, तीसरा बिस्तर पर है, फिर भी हमारे सस्पेक्ट लिस्ट पर है। सर सुहास, काय नाटक चल रहे? मुझे लगता है तू भी शामिल है इसमें। अब मुंह खोलेगा कि यही तोड़ना शुरू करो। वो इज्जत बचाने के लिए हमसे गलती हो गई सर। तेरी वजह से गांव में तीन तीन बंटी शिंदे की इज्जत उछाली गई है, उसका क्या? सर एकदा ऐकूंगी ना, उसने ऐसे क्यों किया? उसने बंटी शिंदे का मनगढ़ंत नाम क्यों लिया? मनगढ़ंत? गांव में हमें इस नाम के तीन तीन लोग मिले हैं। तुझ पर सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का चार्ज नहीं लगाऊंगा, तीन लोगों के मानहानि का चार्ज भी तुझ पर ही लगाऊंगा। विश्वास ठाकुर साहब मेजर, मुझे मालूम नहीं था हमारे गांव में इस नाम का कोई आदमी है, तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया तो बोल दिया, मनगढ़ंत बोल दिया सर। सर एकदा आइकून तर गया, उसने ऐसा क्यों बोला? सुहास बाबू लौकर बोला। अब बोल। बता बेटा, नाम बता, कौन था वो? नाम बता, हाँ बता। उर्वशी कुछ बोली? किसने किया? बोली। कौन? तेरी बीवी को पता था, तुझे पता था, और तुम दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची को झूठ बोलने पर मजबूर किया। ये नाम हम कभी नहीं ले सकते, हम कहीं के नहीं रहेंगे, गांव में सब थू-थू करेंगे। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, पुलिस तो नाम पूछेगी। गड्ढे में गई पुलिस, पुलिस बच्चा गिरवा देते और गांव निकल चलते, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बोलेंगे तबीयत खराब थी। कुछ भी हो जाए पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। तो बोल देना किसी बंटी ने किया है। लेकिन पुलिस तो पूछेगी ना, बंटी कौन है, तो क्या बोलेंगे? बोलो, बंटी 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 शिंदे ने किया है, एक दो बार गांव में देखा था, तो अचानक घर पे आ गया पानी मांगने, पुलिस ढूंढती घूमेगी, लेकिन दरअसल में बंटी शिंदे है ही नहीं ना, तो मिलेगा नहीं, तो केस बंद हो जाएगा और हम भी जोर नहीं देंगे। उर्वशी कुछ भी हो जाए, घर की इज्जत का सवाल है, असली नाम तू जबान पे कभी नहीं लाना। सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। हेलो मैडम, ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल, और आप मुझे समझने के लिए बोल रही है?
साहब, नाम लेते ही हम कहीं के नहीं रहेंगे साहब। इज्जत सिर्फ उछली नहीं, उछल भी जाएगी। पाया पड़ता साहब, पाया पड़ता साहब, तुम नाम लेने के लिए मजबूर मत कीजिए साहब। सर प्लीज, आपको तो पता है गांव में कैसा माहौल होता है, पूरा गांव इस पर गुस्सा हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा बेचारा, इसलिए झूठ बोला। वो तो मैंने आपको सच बताया, इसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, विश्वास नहीं होता कि माँ बाप मिलकर बच्ची के साथ ऐसा सब कुछ कर रहे, जबकि तुम्हारी अपनी बेटी इतना सब कुछ भुगत रही है। तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, अब उर्वशी से मैं खुद बात करूंगा। उर्वशी बेटा, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर उसकी सजा हम किसी निर्दोष को तो नहीं दे सकते ना, बराबर ना? देखो घाबरू नको, सच सच बता दे, तुम्हारे साथ जबरदस्ती किसने की? समीर। समीर, पूर्ण नाम क्या है? समीर शेख। इसीलिए तो माँ बाप डरे हुए थे, लड़का मुस्लिम बिरादरी का है और गांव में किसी को भनक तक नहीं लगी। ये समीर कौन है और इस वक्त कहाँ है? आप सब लोग एक ही खेत में मजदूरी करते हैं? हाँ, हमिद बहू, हमिद मिर्जा के खेत में। उर्वशी, सच सच बताओ, ये सब कुछ तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ था? ए उर्वशी, इकड़े। वो मुझसे अच्छे से बात करता था, अनि मी पर। एक दिन वो बोला देवी तालाब के पीछे खंडर पर आ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे, और मैं चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। काय कर तो रे समीर, नक्कू कर, नक्कू कर ना समीर। चुप। उर्वशी, मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसा कर, नहीं तो मैं सारे फोटो वीडियो तेरे बाबा को भेज दूंगा, और तेरा बाबा वो तो तेरे को मार ही डालेगा। खलास, मरना है तेरे को? नहीं ना, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, थोड़ा टाइम पास कर मेरे साथ, तेरे को ही मजा आएगा। उर्वशी, वो हर दूसरे दिन मुझे वहां बुलाता, पर मैं अगर उसे मना करती तो धमकी देता था। अभी एक हफ्ते में खेत पे नहीं गई तो हर दूसरे दिन मुझे फोन करता था। मैंने उसे बोला कि माजी तबियत बरोबर नहीं, तो बोला फिर भी आ। मेरी तबियत सही नहीं है। कैसे भी करके अकल मिलना तुझसे। इस समीर का नंबर है तुम्हारे पास? सब उसे सजा दीजिए सर, पर हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को बाहर मत आने देना, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अपनी बदनामी का छोड़ो और अपनी बेटी के बारे में सोचो, सिर्फ बेटी के बारे में। सर, सबसे पहले सदाशिव शिंदे को रिलीज करो, और नारायण शिंदे से कहना कि पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी देने की जरूरत नहीं है। उन दोनों का इस केस से कोई लेना देना नहीं था, बेवजह हम लोगों ने परेशान किया उन्हें। सर, समीर शेख का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सबसे पहले हम उस लड़की का स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद मैं एसपी साहब से बात करूंगा। मुझे और एक इनोसेंट आदमी को अंदर नहीं करना है, इस फैमिली का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कोई नई काल्पनिक कहानी बना रहे हैं। चिंता मत करो, पुलिस अब सब संभाल लेगी। ताई, वो आपने बोला था ना अबॉर्शन के लिए? हाँ सुहास भाव, जरा चलकर डॉक्टर नंदिता से मिलाते, पूछते तैयारी कहां तक आई। बंडी, घर पे जा, तेरे पे कोई केस नहीं बन रहे।
राम राम साहब, मैडम सलाम। अमित मिर्जा। हाँ अमित। ये सारे खेत तुम्हारे? हाँ बोला ना, क्या चले? तमीर शेख तुम्हारे खेतों में मजदूरी करता है? हाँ, लेकिन आया नहीं वो आज। हमीद ये समीर शेख रहता कहाँ है? कासीमवाड़ी तालाब के उस पर। काय चालो अमित भाऊ? काय चालो गुणा ठोकरे, अपने समीर का पता लेके गए। एक बात बोलो भाऊ, कुछ तो लफड़ा हुआ है। क्या हुआ है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या माजरा है। अपने स्वास और पद्मा की बेटी नहीं क्या उर्वशी? ठीक है ना, वो शहर में अस्पताल में भर्ती है और यहाँ गांव में पुलिस किसी बंटी शिंदे को ढूंढ रही है। अरे बच्ची की बीमारी और बंटी शिंदे से क्या डालो? वही ना भाऊ। हाँ जगताप, तुमने सही सोचा है। मैं एडिशनल मैजिस्ट्रेट से बात करता हूँ, माइनर की ऑन कैमरा स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट डालता हूँ, क्लियर हो जाएगी। ओके सर। और हाँ सुनो, हमें दो कम्युनिटीज के बीच में कोई टेंशन नहीं चाहिए। रात की बीट्स बढ़ा दो, खबरियों को छोड़ दो गाँव में, और इंश्योर करो कि ये मामला मीडिया के लिए मसाला ना बन जाए। समझ लो सर। कुठे गेला माहित नाही साहेब। पड़ोसी है, कुछ तो बता होगा। नहीं सब, इतना ही मालूम है कि तीन दिन पहले समीर, उसकी अम्मी वाजिदा और उसके अब्बू नसीर भाई किधर तो गए। अरे वाजिदा बहन, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, लौट आएंगे कुछ दिन में। ख्याल रखना। अल्लाह। अल्लाह। पण काय झालं साहेब, आप समीर को क्यों ढूंढ रहे हैं? है कोई काम, जैसे वो आता है लौट के हमें तुरंत खबर करना। सही, समीर शेख एंड फैमिली तीन दिन से बाहर गए, सब कुछ गड़बड़ लगता है। गड़बड़ तो ये सारा केस लग रहा है मीनल। अब देखो ना, आखिर हमें पता ही क्या है, एक माइनर लड़की प्रेग्नेंट है। उसके अलावा क्या सच है क्या झूठ हम कुछ नहीं जानते। इस लड़की का रेप हुआ भी है या नहीं, ये समीर शेख रेपिस्ट है भी या नहीं, और ऊपर से बंटी शिंदे को लेकर की गई मेहनत, अब बदनाम होते हैं वो तीनों। सर हम एक बार झूठ झेल चुके हैं, उम्मीद है इस बार सच सामने आएगा। अब देखते हैं कि कल ये लड़की ऑन कैमरा क्या स्टेटमेंट देती है। ब्रेकिंग न्यूज मध्ये आता पहा कि आकुरवाड़ी गांव की एक 15 साल की बच्ची वाकुरली सिविल हॉस्पिटल में एडमिट की गई है। खबरें आ रही है कि कुछ हफ्तों पहले बच्ची के साथ भयंकर रेप हुआ था, और हमारे सोर्सेस बताते हैं कि MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब गर्भपात कराने का फैसला इस वक्त एक रिश्वतखोरी के दलदल में फंसा हुआ है। Yes? क्या हुआ? टीवी लगाइए मैडम, लोकल न्यूज वाले न जाने क्या क्या दिखा रहे हैं। तहकीकात करने वाली पुलिस टीम और हॉस्पिटल के अधिकारियों ने विक्टिम का अबॉर्शन करने के लिए उसके पेरेंट्स से घूस मांगी है। क्या पीड़ित और उसके माँ बाप जो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, उनको ये जिल्लत भी झेलना जरूरी है? नहीं सर, नॉट एट ऑल, टोटली बेसलेस और वाहियत इल्जाम है ये। असलियत क्या है ये जानने के लिए ना ही किसी का फोन आया था, ना ही मैसेज, ना मुझे ना मेरी टीम को। लेकिन मामला अगर हाथ से बाहर गया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इस हॉस्पिटल में कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है क्या और पुलिस को उसमें घसीटा जा रहा है? देखता हूँ सर। वैसे हमारी तरफ से फीटस के टिश्यूज DNA टेस्ट के लिए प्रिजर्व करने का लेटर हॉस्पिटल को जा चुका है। डॉक्टर नंदिता ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी भी की है। अब इन सब के बीच ये न्यूज रिपोर्टर कैसे और कहां से आई मुझे नहीं पता सर। लेकिन पुलिस को बेकार में कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट बना रहे। जगताप तुम इसकी तह तक जाओ और मुझे अपडेट्स देते रहना। हमने अस्पताल के बाहर एक कदम भी नहीं रखा मैडम, और हम खुद की बदनामी खुद क्यों करवाएंगे? देवा, अब हमारी उर्वशी की बात पूरे गांव में फैल जाएगी। काइट्स का डरना ही, और अब ऐसा आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। देखिए हम गर्भपात परसों करवाएंगे ताकि हमें एक दिन और मिले बच्ची को इस बात के लिए तैयार करने के लिए। आता कसली तैयारी मैडम? इसके लिए खास लोग आते हैं, काउंसलर्स, जिन्हें मैंने बुलाया है। वो बच्ची से बात करेंगे, उसको तैयार करेंगे, उसका डर दूर करेंगे। इंस्पेक्टर मैं भी उतनी ही शॉक्ड हूँ जितने की आप हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर मुझे फोन कर चुके हैं, मुझसे सफाई मांगी जा रही है। पर डॉक्टर नंदिता, हमारे डिपार्टमेंट का नाम क्यों घसीटा जा रहा है इस रिश्वतखोरी में? और सर मैं पूछ रही हूँ हमारे हॉस्पिटल का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? किसी ने मुझे एक फोन तक नहीं किया है और सीधा आरोप लगा दिया कैमरा पर और दिखा दिया पूरी दुनिया को। पादरी और मीनल, ये मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। हम लोग कल के कल उस लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद इस समीर शेख को ढूंढते हैं। विरचित की गई खबरें और अफवाहें बड़ी खामोशी से फुसफुसाते हुए आग की तरह फैलने लगी।
उर्वशी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और पुलिस टीम समीर शेख की तलाश में निकल पड़ी, जिसे उर्वशी ने अपना गुनहगार बताया था। क्या यह एक इत्तफाक था या एक पहले से बुनी हुई चाल थी कि समीर शेख उसी दिन अपने मां बाप के साथ घर लौट आया? रुको साहब, साहब रुको साहब, साहब रुको साहब, साहब रुको, मेरा बेटा मासूम है साहब, मेरा साहब नहीं सकता है, जा रहा है, मेरे बात सुनो साहब, सारे नाम ले लिया तो क्या हो गया? साहब मैं साहब नहीं लेता साहब, क्योंकि साहब कीड़ा पड़ा जा रहा है, सब को मैं बताया जा रहा है साहब, मैं बताया जा रहा है साहब, साहब समीर शेख बोलेगा या ठुकेगा? साहब तू उर्वशी खोटा बोलते साहब, साहब झूठ बोल रही है, वो दोस्ती थी, उन्हें फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो जबरदस्ती मेरा नाम ले रही है, फंसा रहे मेरे को। देवी तालाब के पीछे खंडर में तूने रेप किया, एक नाबालिग बच्ची का रेप, और अब बोल रहा है तुझे फंसाया जा रहा है? साहब मैंने उसको टच भी नहीं किया है। तो फिर वो तेरा नाम क्यों ले रही है? मेरे को नहीं मालूम साहब मेरा नाम क्यों ले रही है वो। तो भागा क्यों रे, और फोन क्यों स्विच ऑफ था तेरा? साहब मैं तो 2-3 दिन के प्रोग्राम से गया था, और वो भी कायदे से वापस घर भी आ गया, और साहब फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। मम्मी की कसम साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या हो गया उसके साथ, ये तो यहाँ पे आके आप लोगों से पता चला क्या हो गया। साहब मैंने उसको आके बहुत फोन ट्राई किया, या तो उठा नहीं रही थी या तो स्विच ऑफ आ रहा था। उर्वशी मेरी दोस्त है, मैं क्यों करूँगा उसके साथ ऐसा? उर्वशी के हिसाब से जिस आदमी ने उसकी ये दशा की थी वो आदमी अब पुलिस की हिरासत में था, यानी कि समीर शेख। दूसरी ओर उर्वशी के गर्भपात की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और कहीं और पास ही में एक नया पिटारा खुल रहा था। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ठीक है ना, देखो मिल जाएगा, तू टेंशन क्यों लो, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा आगे, ठीक है? सच पे पर्दा था या फिर झूठ को बखूबी सजाया गया था, सच सामने आने ही वाला था। पर सच था क्या? कौन था वो शख्स जो बेहद क्रूर और घिनौना खेल खेल रहा था, जहां एक मासूम बच्ची को बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था? हम कल रात लौटेंगे सीआईडी के एपिसोड के बाद, और इस केस की हकीकत बयां करेंगे, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी सजावट के। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।